हाय एवरीवन, आज हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और साथ ही हम लोग एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है और उस एंगुलर मोमेंटम जो है स्पेस पर हमेशा क्वांटाइज होता है और इसी फेनोमेनन को हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। हमको पता है कि आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम स्पेस पर किसी भी डायरेक्शन पर पॉइंट बिल्कुल नहीं करता है, वो एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए ही क्या करता है, ओरिएंट करता है, यानी कि पॉइंट करता है कि इस डायरेक्शन पर पॉइंट करेंगे, है ना। तो उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कि जो स्पेस पर एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्वांटाइज हो गया है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगुलर मोमेंटम टू पॉइंट इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इज कॉल्ड क्या, स्पेस क्वांटाइजेशन, है ना। तो हम लोग आज डेफिनेशन नहीं देखते क्योंकि डेफिनेशन आप लोग कहीं से भी मिल जाएंगे और मैंने जो कहा आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो वो वाला डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये बात हमें कैसे पता चला वो अगर हम लोग देखें तो देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक्सप्रेशन हम लोग के पास आया था, LZ is equal to ML H cross, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन हमें बताते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, है ना। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस पर क्या बता रहा है कि जो LZ है यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो Z कंपोनेंट है वो सिर्फ ML के वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे, वो किसी भी पॉइंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ ML का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। H क्रॉस तो कांस्टेंट है, H क्रॉस मतलब क्या है, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, और ML मतलब यहां पर क्या है, ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ML मतलब क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस L से लेकर L तक होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक एटॉम के ऊपर प्लेस करता है ना, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के चारों ओर घूमता रहता है, एक कोन बनाता है कुछ इस तरीके से। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एक कोन बना के घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये वाला कंपोनेंट अगर हम लोग देखें एल का, तो ये कंपोनेंट होगा क्या, एलजेड कंपोनेंट, ये क्या कंपोनेंट होगा, एलजेड कंपोनेंट होगा, है ना। और इसका जो अकॉर्डिंग है थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल का जो वैल्यूज है वो निकालना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन को अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं, मेन यहां पर क्या बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है ना। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, ये एलजेड का वैल्यू चाहिए और साथ में थीटा का वैल्यू चाहिए। एलजेड का वैल्यू हम लोग यहां से पता कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यहां से देखिए, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल जेड बाई क्या होगा, एल होगा, ठीक है ना। जहां पर एल मतलब क्या है, यहां पर एल मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और उसका वैल्यू क्या है, रूट ओवर एल एल प्लस वन एच क्रॉस, ये एल का वैल्यू है और एल जेड का वैल्यू ये वाला है। तो हम लोग कॉस थीटा में क्या करते हैं, एंगल का वैल्यू चाहिए ना, तो एल जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम एल एच क्रॉस, एल का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एल एल प्लस वन एच क्रॉस, सॉरी, तो यहाँ पर एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, एम एल बाय रूट ओवर एल एल प्लस वन। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम लोग को एंगल को निकालना है ना, थीटा को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को उधर भेजेंगे, तो कॉस इनवर्स ये वाला हो जाएंगे। एम एल को अगर हम लोग को पता है तो एल का भी वैल्यू भी पता ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये वैल्यूज अगर हम लोग खुद कर देंगे तो थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा है, कि फाइंड द डायग्राम, एक डायग्राम हम लोग को बनाना है किसके लिए, फॉर L इक्वल टू टू के लिए। ध्यान से देखिए, फाइंड द डायग्राम फॉर जो क्वांटम नंबर L है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसके लिए टू जो वैल्यू है उसके लिए ऐसा एक डायग्राम हम लोग को बनाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंगल का वैल्यू चाहिए बेसिकली, है ना। तो L का वैल्यू अगर टू है तो ML का वैल्यू क्या क्या होगा, ML का वैल्यू माइनस टू से लेकर टू तक हो सकता है ना, यानी कि वैल्यूज क्या क्या होंगे, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू। तो ML का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, ये वाला है,
ठीक है। तो हम लोग का क्या चाहिए, क्या हम लोग को चाहिए कॉस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा का वैल्यू था एम एल साथ में रूट ओवर एल एल प्लस वन, क्या था एम एल साथ में रूट ओवर एल एल प्लस वन, है ना। तो एम एल का वैल्यू पॉसिबल माइनस टू माइनस वन जीरो वन, तो कुछ भी हो सकता है। एल का वैल्यू तो फिक्स होगा, है ना, एल का वैल्यू क्या है टू, तो एल का वैल्यू फिक्स है क्या टू टू प्लस वन, है ना। एम एल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पहले मान लीजिए माइनस टू के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एम एल ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो नीचे बिल्कुल फिक्स होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल साथ में क्या होगा टू इंटू थ्री, कितना होगा रूट ओवर सिक्स। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक बार होगा माइनस टू बाई रूट सिक्स, एक बार होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई रूट सिक्स। तो ऐसा कितना हो सकता है जीरो बाई रूट सिक्स, वन बाई रूट सिक्स और साथ में होगा टू बाई रूट सिक्स, ठीक है ना। अगर हम लोग एंगल निकालना चाहते तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स माइनस टू बाई रूट सिक्स, है ना। एक होगा क्या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट सिक्स, तो एक होगा क्या जीरो बाई रूट सिक्स और एक होगा वन बाई रूट सिक्स, एक होगा क्या टू बाई रूट सिक्स, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा आप लोग ध्यान से देखिए, जो थीटा का वैल्यूज है वो होगा आपका जो टू बाई रूट सिक्स है, टू बाई सिक्स रूट सिक्स के लिए जो थीटा का वैल्यू होगा वो आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोग कर भी सकते हो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह होता है, नहीं तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो थीटा का वैल्यूज अकॉर्डिंगली होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। टू बाई रूट सिक्स वन बाई रूट सिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा देखिए, थीटा का वैल्यू होगा 35 डिग्री, है ना। नेक्स्ट होगा 66 डिग्री, ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग अगर करेंगे तो कुछ रेडियन में चेंज जा सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि आप लोग को याद रखना है 35 डिग्री होगा, 66 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, जीरो के लिए क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। और फिर होता है बेसिकली क्या 35 हो गया, 60 हो गया, 66, 90, फिर होगा 114 डिग्री, एक होता है 145 डिग्री। तो ये वैल्यूज हम लोग के पास आ गए, तो ये वाले वैल्यूज से अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो उस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है वो डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है 35 डिग्री, मान लीजिए ये वैल्यू क्या है आपका 35 डिग्री, है ना। ये वैल्यू किसके लिए है 35 डिग्री, एम एल इक्वल टू किसके लिए है, एम एल इक्वल टू टू के लिए है, एम एल इक्वल टू किसके लिए है टू के लिए 35 डिग्री हम लोग को मिला। तो एम एल इक्वल टू टू के लिए ये वाला वैल्यूज मिला, है ना। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट एंगल क्या है 66 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट एंगल क्या है 66 डिग्री, क्या होगा 66 डिग्री। तो ये किसके लिए है, एम एल इक्वल टू किसके लिए वन के लिए, है ना। और नेक्स्ट क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसा होगा, है ना। तो ये क्या है 90 डिग्री, है ना, ये क्या है 90 डिग्री, ये किसके लिए है एम एल इक्वल टू जीरो के लिए है। फिर क्या है 114 डिग्री, है ना, ये क्या है 114 डिग्री के लिए है। ये किसके लिए, एम एल का वैल्यू किसके लिए, एम एल का वैल्यू माइनस वन के लिए। और लास्ट में जो है वो है किसके लिए, कितना एंगल होगा इसका, इसका एंगल टोटली होगा 145 डिग्री, किस कितना होगा 145 डिग्री, ठीक है। और इसका एम एल का जो वैल्यू है वो कितना है माइनस टू है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये एक सेमी सर्कल का फॉर्म भी ले लेता है ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो वैल्यूज है ये एल जेड का वैल्यूज है, ये किसका वैल्यूज है, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये एंगल वाला पार्ट जो है वो मैं हटा रहा हूँ ताकि देखने में आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, समझने में आसानी हो, ठीक है। आप लोग बना भी सकते हो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो वैल्यूज है ये एल जेड का वैल्यूज है ना। ये एल जेड का वैल्यू क्या होगा, अगर एम एल का वैल्यू टू है, एल जेड का वैल्यू होगा टू एच क्रॉस, ये होगा एच क्रॉस, ये होगा जीरो। कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो वैल्यू है ये होगा माइनस एच क्रॉस, ये होगा क्या माइनस टू एच क्रॉस, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, साथ में ये वाला पार्ट भी आपको करके आना है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम एल है ये बेसिकली क्या है, एल वेक्टर है जो कि एंगुलर मोमेंटम में किसी डायरेक्शन पर ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या ये वाले पर एग्जैक्टली पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या जो पॉइंट कर रहा है कि एग्जैक्टली इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप लोग स्टार मार्क करके लिखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है नेवर अलाइन, क्या होगा, पैरेलल नहीं होता है
पैरेलल भी नहीं होता है और एंटी पैरेलल भी कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जो हम लोग का वैल्यू है कॉस थीटा, है ना, जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो क्या है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है यानी कि एल हो सकता है, और जो मिनिमम है वो माइनस एल हो सकता है, है ना। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें, है ना, मैक्सिमम होगा एल बाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। तो इस वाले के अकॉर्डिंग जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा, थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा इस वाले के एक्सिस के अकॉर्डिंग बड़ा ही होगा, है ना। थीटा का जो वैल्यू है वो बेसिकली कभी भी 0 डिग्री नहीं होता है, ना 0 डिग्री कभी भी नहीं होता है, और थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पर भी माइनस एल एल प्लस रूट ओवर एल, आप लोग देख रहे हो रूट ओवर एल एल प्लस 1 के लिए भी कभी भी थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या, पाई होता है। पाई से हमेशा छोटा ही होता है या बड़ा होता है या जीरो के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये वाले लो आप लोग ये वाले लो कॉस थीटा का वैल्यू ना तो 0 मिलेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू ना तो पाई मिलेंगे, है ना। 0 से हमेशा बड़ा होगा, है ना, और पाई से हमेशा ये वाला होगा, ठीक है ना, छोटा होगा। तो ये हम लोग को आप लोग को समझना होगा कि जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो ये वाले हो सकते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैक्सिमम से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम का वैल्यू भी पाई से हमेशा छोटा ही होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा, है ना। आप लोग ये वाले करके देख सकते हो, ये छोटा सा ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो ये बात आप लोग को समझना था, और जो डेफिनेशन है वो आप लोग खुद लिखना कि जो द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगुलर मोमेंटम टू डायरेक्ट या डायरेक्शन इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है इन डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल क्या होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।